नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये खास टॉपिक पे है। ये खास टॉपिक इसलिए है क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बच्चों के पूछे जाते हैं कि सर, अगर हमारे बॉडी पे कहीं टैटू है या फिर कहीं कटे पीटे का कोई निशान है तो क्या मेडिकल में हमें समस्या होगी। तो दोस्तों, बारी बारी करके हम देखेंगे कि स्किन से संबंधित आपके बॉडी पे किसी प्रकार का निशान है या फिर कोई स्किन डिजीज है या फिर आपने अगर टैटू बनवा रखा है तो आपको समस्या हो सकती है कि नहीं, हम इसको जो है पूरी तरीके से विस्तार से हम देखेंगे। दोस्तों, जो पहला आप देख रहे हैं वो है मेडिकल में टैटू चल जाएगा क्या। बच्चों का प्रश्न होता है कि सर, मैंने टैटू बनवा रखा है, क्या टैटू चल जाएगा मेडिकल में। तो दोस्तों, अगर आपने छोटा टैटू बनवा रखा है, जैसे ओम हो गया या फिर आपने नाम लिखवा रखा है छोटा साइज का हो, तो वो चल जाएगा। लेकिन अगर आपने बहुत बड़ा टैटू बनवा रखा है, जैसे आजकल आप देखते होंगे जो जिम करने वाले लड़के होते हैं वो पूरा का पूरा बाजू ही जो है टैटू बनवा लेते हैं पूरे बाजू पर ही, तो वो सब कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है कि जो यूपी पुलिस है या फिर किसी भी स्टेट पुलिस या फिर आप कोई भी बेल्ट की नौकरी आप ले लो या फिर फोर्स कोई भी आप ले लो, फोर्स एक अनुशासित जो है कि नौकरी होती है ये, ठीक है। इसमें अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि अनुशासनहीनता में वो चीज आए। अगर आप टैटू बनवा लेते तो वो कहीं ना कहीं जो है एक अनुशासित फोर्स के लक्षण नहीं है, तो इसलिए ये सब जो है अलाउ नहीं है। लेकिन अगर छोटे मोटे टैटू हैं तो वो जो है चल जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। दूसरा है कि शरीर पर किसी भी प्रकार का अगर निशान है तो क्या वो चल जाएगा। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि शरीर पे जैसे मान लीजिए कि कहीं कटे पीटे का निशान है, जैसे मेरे हाथ पे लोहे से जो है थोड़ा सा कट गया था तो उसका निशान है। यहाँ पे आप देखेंगे मेरे यहाँ पे ये मैं गंगा जी की सीढ़ी चढ़ रहा था बचपन में बनारस में, तो वहां पे जो है कि गिरने की वजह से जो गंगा जी की सीढ़ी से ये मेरा कट गया था यहाँ पे, तो ये अभी भी निशान है। तो देखिए, जब मेडिकल होगा और जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो वहां पे एक फॉर्म भरा जाता है, तो वहां पे आपके शरीर पे जहां जहां निशान है वो लिखना पड़ता है। तो वहां पे जो है कि आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है कि हाँ, आपके शरीर पे यहाँ यहाँ निशान है। तो देखिए, अगर निशान है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके शरीर में विकलांगता नहीं होनी चाहिए। विकलांगता मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये मेरे हाथ पे निशान है, चल जाएगा, लेकिन अब ये हाथ मेरा टेढ़ा होता या ऐसे होता या ऐसे होता, मतलब विचित्र आप कह सकते हैं, जो देखने में थोड़ा अजीब लगे, तो ये नहीं चल पाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, एक चीज और है, जैसे मान लीजिए कि तेजाब से किसी भी प्रकार का कोई ऐसा चीज जिससे कि आप जल गए हों तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और शरीर पे निशान कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए घाव लगा है तो घाव भराने के बाद निशान हो गए, फोड़े फुंसियों के निशान हो गए, कोई समस्या नहीं है। आप बिल्कुल एकदम जो है निश्चिंत होकर आप एग्जाम की तैयारी करें, कोई समस्या नहीं होने वाला है, ठीक है। तीसरी जो है आपका जो तीसरा प्रश्न है वो है त्वचा संबंधित कोई समस्या हो तो क्या होगा मेडिकल में। तो आपको मैं बता दूं, जैसे चर्म रोग आप लोग जानते होंगे कि तो जो स्किन डिजीज है उसमें कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक सफेद धब्बा जो बन जाता है जगह जगह शरीर में पूरे जो है, तो देखिए क्या है कि वो अगर थोड़ा बहुत है तो चल जाएगा, बहुत ज्यादा है तो नहीं चलेगा। और जैसे मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो एक लड़का था, उसके क्या था कि ये पूरे हिस्से में, ये पूरे पीछे से लेकर के ये कान वान पूरा उसका ब्लैक ब्लैक हुआ था, मतलब ऐसा लग रहा था बाल जमे हुए थे। जो बाल होता है ना, तो ये तो बाल हम लोग के काफी, मतलब कि इसकी डेंसिटी थोड़ी कम है लेकिन उसकी डेंसिटी बहुत, मतलब ज्यादा थी, बहुत घना था और वो पूरे के पूरे शरीर पे था और वो अजीब टाइप लगता था। लेकिन फिर भी देखिए, वो मेडिकल पास होकर के ट्रेनिंग में हम लोग के साथ था, इसका मतलब है कि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली स्किन डिजीज में, लेकिन ऐसी स्किन डिजीज ना हो जिससे कि अन्य लोग प्रभावित हो। समझ में आ रही मेरी बात? मतलब कुछ स्किन डिजीज ऐसे भी होते हैं जिससे कि अन्य लोग भी प्रभावित होते हैं या फिर जो अन्य कर्मचारी हैं, अन्य बच्चे हैं, वो ना प्रभावित हों, तो ऐसे में आपके ऊपर समस्या आ सकता है, आपको मेडिकल में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये कुछ जो है आपकी स्किन से रिलेटेड, जो आपके कटे फिटे के निशान हो गए, टैटू संबंधित जो आपके प्रश्न आते रहते हैं, उम्मीद करता हूं आपके प्रश्नों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। अब आप जो है कमेंट में इससे रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछेंगे। पिछले कई महीनों से मैं जो है इस प्रश्न को मैं देखता था, मैं सोचता था कि वीडियो बनाऊंगा लेकिन मैं भूल जाता था, इसके लिए सॉरी। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे जवाब से और मैंने जो बताया उससे आप संतुष्ट होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का अगर कोई प्रश्न हो या फिर आप चाहते हैं कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए तो जरूर कमेंट में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।